कैसा बीता छठ आपका? बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही हर्ष उल्लास से सब लोग छठ मनाए हैं। बहुत खुशी की बात है, इतनी बड़ी पर्व है, बिहार वासियों के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है। सर छठ कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप वापस लौट रहे, कैसा लग रहा है लौटने में? बुरा तो बहुत ज्यादा ही लग रहा होगा। ये तो परंपरा है, ही आना जाना लगा ही रहेगा, बट छठ का महत्व है, आते हैं हम लोग हर साल आते हैं। छठ में घर आए थे आप? हाँ जी। कैसा रहा छठ? सही रहा। हाँ जी। अब वापस जा रहे हैं? हाँ जी, दिल्ली जा रहे हैं। बुरा लग रहा है जाने में कि घर छोड़कर फिर से वापस जाना पड़ रहा है? दिक्कत हो रहा, फैमिली छोड़ के जा रहे हैं, परिवार छोड़ के जा रहे हैं। अब वो तो मन नहीं होता है, बट 2 साल बाद आया तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, 2 साल के बाद आए थे? 2 साल के बाद। छठ में घर आते हैं क्या? हाँ जी, छठ में ही आता हूँ। कैसा लगा आपको छठ में पटना? बहुत अच्छा लगा, यहाँ का छठ बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूँ आपके साथ मानसी। बिहार का महापर्व छठ खत्म हो चुका है, इसके साथ साथ लोग जो लोग बाहर रहते थे वो अपने काम की तरफ, अपने पढ़ाई की तरफ बढ़ चुके हैं। तो इस वक्त हम पटना जंक्शन पे मौजूद है, जहाँ आप देख सकते हैं लोगों की कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। जो लोग बाहर से पर्व मनाने आए थे वो अपने अपनी रास्ते की ओर बढ़ चुके हैं। कुछ लोग पढ़ाई करते हैं तो वो लोग घर आए थे, वो लोग जा चुके हैं। और अगर वो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बाहर रह के जॉब करते थे, वो भी अपने घर आए थे, अपने गांव आए थे इस पर्व को मनाने के लिए। क्योंकि छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग कहीं भी रहते हैं, कितनी भी मुश्किल होती है आने में, लेकिन कैसे भी करके वो अपने घर पहुँचते हैं। आइए चलते हैं और हम अब लोगों से जानेंगे कि वो छठ मनाकर वापस लौट रहे हैं तो उन्हें कैसा फील हो रहा है, कैसा बीता उनका ये छठ महापर्व। वो इसमें शहर आए थे, अपने घर आए थे शहर छोड़कर, अब वो वापस लौट रहे हैं तो उनको कैसा लग रहा है? सर, आप छठ मनाने यहाँ आए थे? मेरा घर ही एक्चुअली यहाँ है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। जी, आप दिल्ली जा रहे हैं, तो कैसा बीता छठ आपका? बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही हर्ष उल्लास से सब लोग छठ मनाए हैं। बहुत खुशी की बात है, इतनी बड़ी पर्व है, बिहार वासियों के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है। सर, टिकट मिलने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है? टिकट मिल रही थी आपको वापस लौटने के लिए? स्पेशल ट्रेन चल रही है तो सुविधा है, टिकट्स मिल जा रही है। जी, अच्छा, तो आप अभी छठ मनाकर आप लौट रहे हैं, तो आप कब वापस घर आना होगा? मैं तो काम से जा रहा हूँ, 4-5 दिन लगेंगे मुझे आने में। छठ बहुत अच्छा बीता? बहुत अच्छा। देखा आपने, लोगों ने हमें बताया कि उनका छठ बहुत अच्छा बीता, और भी कुछ लोगों के पास चलेंगे और हम जानेंगे। सर, छठ कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप वापस लौट रहे, कैसा लग रहा है लौटने में? बुरा तो बहुत ज़्यादा ही लग रहा होगा। ये तो परंपरा है, ही आना जाना लगा ही रहेगा, बट छठ का महत्व है, आते हैं हम लोग हर साल आते हैं। और ये टिकट मिलने में परेशानी हुई थी क्या आने में, या फिर अभी लौट रहे हैं? दोनों साइड में। कैसे हुई, मतलब कैसे मिली? एक्चुअली हम लोग ब्रेक जर्नी करके आए थे, फर्स्ट हम लोग इलाहाबाद आए, फिर इलाहाबाद से वापस बाई कार आए थे हायर करके पटना। मतलब किसी भी हाल में वहाँ छठ में घर पहुँचना है, मतलब और जाने के लिए भी हम लोगों ने मतलब ब्रेक करके लिया हुआ है टिकट्स। ब्रेक करके टिकट, मतलब डायरेक्ट नहीं जा पा रहे अपने डेस्टिनेशन? नहीं। ये बताइए सर, छठ बिहार का महापर्व है तो इसके साथ तो काफ़ी ज़्यादा इमोशन जुड़े होंगे? बिल्कुल, वो तो एक बहुत ही एक अच्छा पारिवारिक, सामाजिक, हर एक तरीके से अच्छा लगता है करना, और बहुत ही स्वच्छ, निष्पक्ष, सब कुछ अच्छा लगता है यहाँ पे। तो वापस घर छोड़कर जाने का मन हो रहा है या नहीं? मन हो या नहीं हो, तो वहाँ अगर रोजगार है, अगर सब कुछ है, तो जाना ही पड़ेगा वापस। आप कब वापस आना है? फिर मतलब होली के अराउंड आएंगे हम लोग। होली के अराउंड। थैंक यू। तो देखा आपने लोगों से कैसा, कितने अच्छे से मनाया है। छठ में घर आए थे आप? हाँ जी। कैसा रहा छठ? सही रहा। हाँ जी। अब वापस जा रहे हैं? हाँ जी, दिल्ली जा रहे हैं। बुरा लग रहा है जाने में कि घर छोड़कर फिर से वापस जाना पड़ रहा है? दिक्कत हो रहा, फैमिली छोड़ के जा रहे हैं, परिवार छोड़ के जा रहे हैं। ये टिकट मिलने में परेशानी हुई थी क्या? टिकट नहीं मिल पा रहा कहीं? नहीं मिल पा रहा। नहीं, आने की भी और वापस लौटने की भी टिकट नहीं मिल पा रही? हाँ, बहुत दिक्कत है। कैसे हुई फिर टिकट आपकी? मैम, फिर हमने अंदर ही बनवाया, TT से संपर्क करके, जो TT आते हैं ना, उनसे बनवाया था। तो अभी आप वापस जा रहे हैं, अब कब वापस घर आना है? अगले साल छठ में? 2 साल के बाद आते हैं। अभी 2 साल के बाद सिर्फ छठ में आते हैं? हाँ जी। तब यानी इस छठ, ये छठ मना के जा रहे हो तो अगले साल छठ में आएंगे? हाँ जी। छठ में घर आए थे? हाँ जी। कैसा मना छठ आपका? बहुत अच्छा मना छठ पूजा। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहा हूँ। मन हो रहा है घर छोड़कर दिल्ली जाने? हाँ, वो तो मन नहीं होता है, बट 2 साल बाद आया तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, 2 साल के बाद आए थे? 2 साल के बाद। छठ में घर आते हैं क्या? हाँ जी, छठ में ही आता हूँ, बट लास्ट ईयर मिस हो गया था कोई रीजन वजह से, बट इस बार आया था। तो अभी इस बार जा रहे तो अगले साल छठ में आएंगे? हाँ, मैं भी 1 साल के बाद। हाँ जी। बहुत बुरा लगता होगा ना ऐसे? हाँ, वो तो होता है। क्या क्या? अपना गांव छोड़ना कौन चाहता है? बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लगता है।
लेकिन क्या करें, मजबूरी है, नौकरी तो करना ही पड़ेगा ना। टिकट्स मिलने में कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है? नहीं, ऐसे तो परेशानी टिकट में नहीं होती, उधर से ही एक्चुअली हम लोग के जो प्लानिंग थी हम दोनों की उधर से ही बुकिंग थी हमारी, तो हमें तो कोई टिकट लेने में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जी हाँ जी, तो छठ बहुत अच्छा रहा? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बहुत है, बहुत मजा आया। छठ में घर आई थी? नहीं, मैं नहीं आई थी। अच्छा, मतलब यहाँ आई थी ना छठ मनाने? हाँ, हाँ। कैसा लगा आपको छठ में पटना आकर? बहुत अच्छा लगा, यहाँ का छठ बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। अब आप नेक्स्ट टाइम आएंगी या नहीं? बिल्कुल, जब भी मौका मिलेगा आऊंगी। जब मौका मिलेगा तब आएंगी। बहुत ज्यादा खुशी हुई यहाँ। बहुत। आप कहाँ जा रही है अभी? तो दिल्ली। दिल्ली जा रही है। टिकट्स मिलने में परेशानी हुई थी या नहीं? टिकट्स तो ऑलरेडी थी। हाँ, लेकिन अभी आप जा रही है, तो अब कब आना होगा वापस से पटना आपको? अब फिर कोई फेस्टिवल में। लेकिन छठ कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। हाँ, छठ बहुत अच्छा, यहाँ का छठ फेमस है, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। आप बताइए, आप कहाँ जा रही हैं? हम भी दिल्ली जा रहे हैं। छठ मन गई काफ़ी अच्छे से? हाँ, बहुत अच्छी से। कैसे मनाती है, मतलब कितने अच्छे से मनाती है छठ को? छठ को हम लोग मनाते हैं, मतलब हम लोग यहाँ घूमने आए थे, बहुत अच्छे से घूमने आई, तो मजा आया घूमने? मजा आया, बहुत बहुत अच्छा था। बार बार आना चाहेंगे? हाँ। तो देखा आपने, बिहार में लोगों को छठ मनाकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है, लोग यहाँ आकर बहुत खुश थे। कुछ लोग अपने घर लौटे थे, कोई एक साल के बाद आए थे, कोई दो साल के बाद आए थे, अब लोग वापस अपने अपने काम की ओर चल चुके हैं, और लोगों का कहना है कि अब अगली साल छठ में वो लोग फिर से वापस पटना आएंगे। इसी तरह की छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहें NBC 24।